मजनू का टीला जा रहे हो, बट समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कैफे जाएं, क्योंकि अब सीरियसली बाय गॉड इतने सारे कैफेज खुल गए ना मजनू का टीला में कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा कैफे विजिट करें कौन सा ना करें। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कैफेज इन मजनू का टीला। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसी वीडियो में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 5 कैफेज इन मजनू का टीला। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दो। इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिमरन7 चावला इज माय यूजर नेम, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी कैफेज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इस बार हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस नहीं करेंगे, इस बार हम रैंडम ऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट कैफे इज MG कैफे, जो आपको बाहर मेन रोड पे ही मिल जाता है, आपको ऐसे अंदर गली में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, आप फुटओवर ब्रिज से क्रॉस करोगे तो वहीं पे ही आप आगे आगे जाओगे तो आपको MG कैफे का बोर्ड मिल जाएगा, वहीं से ही आप लेफ्ट हो जाओगे और आपको अंदर एक बिल्डिंग मिलेगी जिसके 4th फ्लोर पे आपको MG कैफे मिलता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लोकेशन ढूंढने में, इनफैक्ट लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, बट जिस तरह से हमने आपको समझाया आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत ईजीली वहाँ पर पहुँच जाओगे। ये बिल्कुल न्यू कैफ़े है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको लोकेशन समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे रील डेडिकेटेड रील बनाई थी जिसमें लोकेशन एग्जैक्ट समझाई थी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एम्बियंस की। तो ये कैफ़े जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी न्यू है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये। मतलब मजनू का टीला के जितने भी कैफ़ेज आपको रूफटॉप कैफ़ेज मिलते हैं उसमें काफ़ी बेटर बना हुआ है ये वाला कैफ़े। इसमें आपको इनडोर भी मिल जाता है, रूफटॉप भी मिल जाता है, और रूफटॉप से बेस्ट चीज़ इज़ कि आपको सिग्नेचर ब्रिज व्यू बहुत सुंदर देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको पहले इंडोर का हम आपको दिखाते हैं पूरा इसका एम्बियंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक इंस्टाग्रामेबल टाइप सा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 ज़ीब्रास मिल जाते हैं, एक बेबी ज़ीब्रा और एक बिग ज़ीब्रा। उसके ऊपर इन्होंने झूमर शैंडलियर्स काइंड ऑफ लगाए हुए हैं, तो पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है वो। उसके अलावा भी यहाँ पर ना आपको कुछ ऐसे 3D पेंटिंग काइंड ऑफ मिल जाती है, ऐसे माउंटेन्स हिल्स वाली आपको फील देने के लिए इन्होंने वैसे बनाया हुआ है। यहाँ पर ड्रिंक्स काउंटर भी है और बेकरी वगैरह भी है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो भी काफ़ी अच्छा कैफ़े है ये। इसके अलावा आपको आउटडोर में भी काफ़ी सुंदर सीटिंग मिल जाती है। एक इन्होंने ना कुछ ऐसे कर्टन वाली सीटिंग बनाई हुई है, वो काफ़ी अच्छा आपको फील देती है। और जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर ब्रिज व्यू तो यहाँ पर बहुत सुंदर दिखता है, रिवर व्यू भी है। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाए हुए MG कैफ़े का काफ़ी बड़ा बड़ा सा, तो यहाँ पर भी आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। और ये ना पूरा शेडेड एरिया है, तो जैसे गर्मी भी होती है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि स्प्रिंकलर्स एंड ऑल लगे हुए हैं और बारिश वगैरह से भी बचाने के लिए इन्होंने ये शेडेड एरिया बनाया हुआ है पूरा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइव पिज्ज़ा काउंटर भी मिल जाता है जहाँ पर आपको वुड फायर्ड पिज्ज़ाज मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्विजींस भी काफ़ी सारी मिल जाती है। फूड की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टी क्विजीन मिल जाता है, यूरोपियन के लिए मेनली ये फेमस है। तो यहाँ पर आपको जैसे वुड फायर्ड पिज्ज़ा, पास्ताज, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सैलड्स में भी यहाँ पर काफ़ी सारी वेराइटी है, तो सैलड में आप किनोवा सैलड ले सकते हो अगर कुछ हेल्थ कॉन्शियस डाइट कॉन्शियस ट्राई करना चाहते हो। इसके अलावा ना इनके शेक्स बड़े अच्छे हैं, तिरामिसू बिस्कॉफ शेक ले सकते हो। मॉकटेल्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। एक हमने यहाँ पर मेलन बेरी मार्गरेटा ली थी, उसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी सुंदर आई थी, और ये आपको ना वाटरमेलन बेस में मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है। तो अगर कुछ मॉकटेल्स में ट्राई करना चाहते हो तो ये ले सकते हो, कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह भी ले सकते हो यहाँ पे आप। इसके अलावा चाइनीज़ में भी इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जैसे अगर आपको लोटस फ्रूट पसंद है तो हनी चिली लोटस स्टेम ले सकते हो, चिली पनीर भी ट्राई कर सकते हो, एंड पिज्ज़ाज पास्ताज तो इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पिज्ज़ाज में भी गार्डन फ्रेश पिज्ज़ा ले सकते हो, पास्ता में हमने मिक्स सॉस पास्ता ट्राई किया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अगर प्राइस की बात करें तो मजनू का टीला के कैफ़ेज आपको जनरली काफ़ी अफोर्डेबल ही मिलते हैं, और ये वाला भी काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब जैसे पास्ता का आपको 250 के अराउंड प्राइस मिल जाएगा, शेक्स वगैरह भी इनके काफ़ी सस्ते हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो 500 to 700 इज़ द एवरेज कॉस्ट फॉर 2 पीपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैफ़े, और सेकेंड कैफ़े इज़ केव कैफ़े, जो कि आपको मजनू का टीला के अंदर ही मिल जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये कैफ़े जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल में बना हुआ है, और मतलब ये ना जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है केव कैफ़े का मतलब है ये पूरा का पूरा गुफा की थीम ही इन्होंने बनाई हुई है। मतलब आप अंदर जाओगे आपको ऐसा लगेगा आप किसी गुफा के अंदर बैठ के खाना खा रहे हो, तो मतलब ये पूरा केव थीम कैफ़े ही है। तो मतलब इन्होंने ना जो अंदर का पूरा इंटीरियर बनाया हुआ है वो भी ऐसे थोड़ा रफ काइंड ऑफ बनाया हुआ है, जो आपको ऐसी फीलिंग देता है कि गुफा
गुफा के अंदर हो आप, और इन्होंने साइड में कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं जो आपको ऐसे लगता है कि आप सिटी व्यू इंजॉय कर रहे हो, गुफा के अंदर से माउंटेन व्यू दिख रहा है आपको, तो बहुत यूनिक सी फील है यहाँ पर। फूड की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये ना ब्रेकफास्ट स्पॉट्स में भी एक आता है, क्योंकि ये सुबह सुबह खुल जाता है, तो अगर आप 8 AM to 11 AM के बीच में जा रहे हो तो आप इनकी ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ ले सकते हो। एक इनका अमेरिकन ब्रेकफास्ट है, वो आप ट्राई कर सकते हो, जिसके अंदर वेज नॉन वेज दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो उसके अंदर आपको चिकन सॉसेजेस और रोस्टेड वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, कैरेट, टोमेटोज, ये सारा मतलब बिल्कुल एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट में जो आता है ना वो सारी चीज़ें मिलती हैं। टोस्ट भी आता है इसमें, ऑमलेट एंड ऑल भी आता है, सैलड्स काफ़ी सारे होते हैं, एंड द बेस्ट थिंग आपको इसके साथ कैपेचिनो वगैरह भी मिल जाती है। अगर आपको हॉट मिल्क लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, कैपेचिनो लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी क्विजींस मिल जाती है, बट ये मेनली तिब्बतन फूड के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है मजनू का टीला इज़ लाइक मिनी तिब्बत इन दिल्ली। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफेज़ में तिब्बतन फूड मिलता है, और यहाँ का तिब्बतन फूड इज़ रियली नाइस। तो आप यहाँ पर थेंतुक वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। थेंतुक इज़ लाइक फ्लैट नूडल्स जो कि आपको सूप काइंड ऑफ में मिलते हैं, तो अगर आपको तिब्बतन फूड पसंद है तो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको पाउच मोमोज भी मिलते हैं, जिसके अंदर टोफू, कैरेट, जिंजर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो जिंजर का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है, तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं था वो, बट इफ़ यू लाइक तिब्बतन फूड एंड इफ़ यू लाइक पाउच मोमोज तो आप ले सकते हो। एंड ड्रिंक्स में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मोइतोज मिल जाती हैं, हमने मैंगो मोइतो ट्राई करी थी, इसके अलावा भी ऑरेंज मोइतो, वाटरमेलन, ब्लूबेरी, ये सारी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अपने फेवरेट फ्लेवर के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। एंड मॉकटेल्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, हमने जो ट्राई करी थी दैट वाज माय थाई, एंड ये ना कुछ ऐसा आपको सिट्रसी सा टेस्ट देती है, ऑरेंज बेस में आती है, सोडा एंड ऑल डाला होता है, एंड फ्रेश लाइम जूस होता है, तो थोड़ा सा अगर आपको सिट्रसी सावरी फ्रंट पे कुछ चाहिए तो यू कैन हैव दिस एज वेल। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पे सब कुछ मिल जाता है, एंड एवरेज कॉस्ट फॉर टू हियर ऑल्सो इज़ अराउंड 500 to 700। नाउ आवर थर्ड कैफे इज़ द रूफ स्काई, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यू कैफे है, इसको खुले हुए अराउंड 1.5 ईयर ही हुआ है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रूफ टॉप कैफे जहाँ से आपको बहुत सुंदर सिग्नेचर ब्रिज व्यू मिलता है। और अगर एम्बियंस की इसकी बात करें ना तो बहुत सुंदर बना हुआ है ये, मतलब इन्होंने ना इसे बीच में कुछ वाटरफॉल्स काइंड ऑफ भी बनाए हुए हैं, और रात के टाइम आप जा तो ब्लू कलर की लाइटिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है, और साइड पे देखोगे तो ना कुछ इन्होंने हेक्सागोनल शेप में कुछ ऐसे ना कबानास काइंड ऑफ भी बनाए हुए हैं, वो थोड़े से शेडेड एरिया में इंडोर काइंड ऑफ में आते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो कुछ यूनिक है यहाँ पर ये चीज़। और इनकी डबल टेरेस है, तो अगर आप ऊपर वाला भी देखोगे तो वहाँ से तो सिग्नेचर ब्रिज ऐसे दिखता है, पूरा ट्रैफिक आते जाते हुए, तो रात को तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। और यहाँ पर आपको लाइव म्यूज़िक भी मिल जाता है, द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर आपको बार काउंटर भी मिल जाता है, तो अल्कोहल, कॉकटेल्स, ड्रिंक्स सब अवेलेबल हैं, हुक्का भी अवेलेबल है इनफैक्ट, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में, तो अगर आप बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बेकरी एंड ऑल भी मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। एंड आपको पता है ये जो सिग्नेचर ब्रिज व्यू मैंने आपको बताया ना, ये आपको इतने पास देखने का मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उसके पास में ही हो, और मतलब लाइटिंग इतनी सुंदर लगती है रात के टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगा था हमें जब हम लोग यहाँ पर गए थे, और हमने इनफैक्ट एक शॉट भी डाली थी रोमांटिक कैफेज़ में से एक, मतलब अफोर्डेबल कैफेज़ में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चली और लोगों को काफ़ी पसंद आई वो वाली रील भी। फूड में देखें तो फूड में आपको यहाँ पर चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ये दो क्विजींस मिलते हैं, और ये ना ऑथेंटिक चाइनीज़ ब्रांड काइंड ऑफ है, तो यहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड तो बहुत अच्छा मिलेगा ही। बाकी हमने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ट्राई किया था, और इनके बाउस काफ़ी अच्छे हैं, तो बाउस भी आप ले सकते हो, जैसे चिली पनीर बाउ आता है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टीम्ड कुलचा काइंड ऑफ होता है, उसके अंदर आपको स्टफिंग मिलती है, वो काफ़ी अच्छा है। एंड वी ट्राइड लज़ानिया ऑल्सो, तो वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ में आप कुछ भी लोगे तो आपको सब कुछ काफ़ी टेस्ट मिलेगा। कैपेचिनो वगैरह भी ले सकते हो, वो सब भी काफ़ी अच्छा है। तो एवरेज कॉस्ट भी अगर आप देखो तो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट वही है, 600 to 800, 500 to 700, मतलब सारे कैफेज आपको इसी रेंज के अराउंड ही मिलेगी मजनू का टीला में। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैफे, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि जितने भी कैफेज अभी तक हमने डिस्कस करे हैं इनकी सारी आपको डेडिकेटेड वीडियोज भी मिल जाएंगी चैनल पर, तो आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी, हमने क्या क्या ट्राई किया था। एंड अगर आपके पास कोई और कैफ़े रिकमेंडेशंस है, लिस्ट रिकमेंडेशंस है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टा पे भी डीएम कर
सकते हो सिमरन जैविन चावला इज माई यूजर नेम. और मतलब हमने ना इस पहले भी जितनी लिस्ट करी है काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है आप लोगों से, तो वो वाली लिस्ट भी अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी तो वो कर सकते हो. और अगर हमने मछलियों का टीला में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कैफे मिस कर दिया इस लिस्ट में तो प्लीज़ डू लेट अस नो. और फोर्थ कैफे इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैफे ऑफ मछलियों का टीला. मतलब मछलियों का टीला जाना ही इसी कैफे से जाता है. आई एम श्योर काफ़ी लोग पहचान गए होंगे, दिस इज़ आमा कैफे. मतलब लोग ना लिटरली मछलियों का टीला आते ही आमा कैफे के लिए हैं. बट यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हिडन जेम्स हैं जो हम पहले तीन डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर विजिट करना चाहिए. और अब आमा कैफे के बारे में बताएं तो मतलब ये तो भाई साहब, अगर आप यहाँ जाओगे ना, आप वीकडे पे जाओ, वीकेंड पे जाओ, आपको एक दो घंटे की तो वेटिंग मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर. तो आप पूरा टाइम लेकर जाना, एंड बाय द टाइम वेटिंग होती है आप पूरा मछलियों का टीला एक्सप्लोर कर सकते हो, लाफिंग एंड ऑल खा सकते हो. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप जैसे ही अंदर मछलियों का टीला की गली में घुसते हो वहीं पे ही आपको सामने ही मिल जाता है. मतलब बहुत इजी लोकेशन है इसकी रीच करने की. और ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर तक इनका फोर्थ फ्लोर तक पूरी बिल्डिंग है. और ये ना इन्होंने कुछ ऐसे हिमालयन स्टाइल में बनाया हुआ है. और अंदर घुसते ही आपको ऐसी कॉफ़ी वाली फीलिंग आती है. यहाँ की तो कॉफ़ी की जो स्मेल है ना, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट. और मैं इतनी बार जा चुकी हूँ और हर बार हमें वेटिंग करनी पड़ी है यहाँ पर. तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा था. यहाँ पर आपको बेकरी भी मिल जाती है जिसके अंदर डेजर्ट्स के ऑप्शंस तो इतने सारे हैं. पैनकेक्स, मतलब आमा कैफ़े इज़ बेसिकली नोन फॉर पैनकेक्स, एंड यहाँ पर आपको फ्लफीएस्ट पैनकेक्स मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो, पेस्ट्रीज, चीज़ केक्स, मतलब सब कुछ है यहाँ पर. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगेन दिस इज़ ऑल्सो ब्रेकफास्ट स्पॉट. तो 7 AM ये ओपन हो जाता है. तो अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर तो आप डेफिनेटली जा सकते हो. और ब्रेकफास्ट में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. इसके अलावा फूड में जो आप ट्राई कर सकते हो ना, यहाँ मेनली कॉन्टिनेंटल ही है. और कॉन्टिनेंटल इनका इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना. पिज्ज़ा आप खाओ, आप पास्ता खाओ, आपको हर एक चीज़ बहुत टेस्टी मिलेगी यहाँ पर. एंड कॉफ़ी भी अगर आप लेते हो तो कोल्ड कॉफ़ी तो मेरी यहाँ की फेवरेट है. मतलब मुझे और कुछ मत दो, बट मैं ना यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम लेती हूँ तो वो इतना अच्छा टेस्ट करते हैं. तो उसका प्राइस कुछ टैक्स वैक्स लगा के 250 अराउंड हो जाता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट. मतलब बहुत अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. यहाँ पर आपको बबल टीज एंड ऑल भी मिल जाती हैं. तो बबल कॉफ़ी, ओरियो शेक, बड़े सारे टाइप्स के शेक ऑल भी हैं, वो सब भी आप ले सकते हो. फ्राइज भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो. और पैनकेक तो आप अगर जा रहे हो तो यहाँ का पैनकेक नहीं खाओगे तो भाई, मतलब पसंद है अगर आपको डेजर्ट्स तो पैनकेक तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एवरेज कॉस्ट पर टू आमा कैफे में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर 800 टू 1000 मिल जाती है. मतलब 800 में अगर आप तीन चीज़ें मंगवा रहे हो तो आराम से आपका हो जाएगा. तो मतलब इट्स अगेन वेरी अफोर्डेबल और बहुत अच्छे एम्बियंस के साथ आपको ये कैफे मिलता है विद वेरी डिलिशियस फूड. फाइनली आवर लास्ट कैफे इज़ नॉर्वांग कैफे, जो कि हमने फर्स्ट, मतलब जो मैंने फर्स्ट कैफे एक्सप्लोर किया था मजनू का टीला में वॉज दिस नॉर्वांग कैफे ओनली. यहाँ पर आपको इंडोर और रूफटॉप दोनों मिल जाते हैं. और ये ना इन्होंने कुछ ऐसे ग्रीस थीम काइंड ऑफ में बनाया हुआ है, ब्लू कलर का आपको यहाँ पर पूरा मिलता है. रूफटॉप से आपको सिग्नेचर ब्रिज व्यू भी मिलता है, रिवर व्यू एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं. और इंडोर में आपको इनकी बेकरी मिल जाती है, बेकरी केक्स वेक्स लेने हैं वो सब ले सकते हो. ड्रिंक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, अल्कोहल है, कॉकटेल्स हैं, हुक्का लेना चाहते हो हुक्का भी है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वो सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो. रूफटॉप तो इनका आप सीरियसली पूरा टाइम भरा रहता है क्योंकि यहाँ पर ना लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए भी आते हैं. क्योंकि जितने भी आप मजनू का टीला के रूफ टॉप कैफेज देखोगे आपको उसमें सिग्नेचर ब्रिज व्यू मिलता ही मिलता है और काफ़ी सुंदर फोटोज आती हैं यहाँ पर. इनफैक्ट आपको एक स्टेज भी मिल जाता है लाइव म्यूजिक वगैरह के लिए, तो लाइव म्यूजिक भी यहाँ पर होता है. फूड में भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो आप ले सकते हो. जैसे हमने यहाँ पर पिज्ज़ा ट्राई करा था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और अगेन अफोर्डेबल प्राइसेस में. क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ गए थे ना तो मतलब हमें ऐसा लगा था कि सीरियसली किसी कैफे में बैठ के आपको इतना अफोर्डेबल फूड भी मिल सकता है. वी डिड नो, क्योंकि हम सारे थोड़े महंगे महंगे ही कैफेज़ एक्सप्लोर करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यार इतने अफोर्डेबल कैफेज़ भी होते हैं इतने अच्छे एम्बियंस में. तो यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है. इसके अलावा आप इनके पैन फ्राइड मोमोज़ ले सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं. इनके एक कीवी वाली कुछ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, कुछ कीवी और लीची के फ्लेवर में ना एक बड़ी सुंदर सी ड्रिंक आती है, वो भी बहुत अच्छी है. तो वो सब भी आप ट्राई कर सकते हो. मतलब कुछ भी ट्राई करो आप, फूड में सब अच्छा है यहाँ का. नॉर्वांग कैफे में एवरेज कॉस्ट फॉर टू इज़ अराउंड 500 to 700. इनफैक्ट ये वाला कैफे हमने कैफेज अंडर 500 पार्ट टू जो निकाली थी लिस्ट, उसके अंदर भी हमने कवर किया था. तो वो आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर लेना. इनफैक्ट आपको पता है एक हमने कैफेज अंडर 1000 निकाली थी, अभी उसको कुछ अराउंड
वन ईयर भी नहीं हुआ, 8-9 months हुए हैं, और उस पर मोर देन 50 के व्यूज और पता नहीं कितने लाइक्स एंड कितने सारे कॉमेंट्स, मतलब उस वीडियो पर तो इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना आप सबसे। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर लेना, और भी लिस्ट पे वी वॉन्ट कि आपका सपोर्ट हमें मिले, कॉमेंट करके बताओ हमें कैसी कैसी लगती है आपको लिस्ट और कौन कौन सी लिस्ट हम ला सकते हैं आपके लिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे पांचों बेस्ट कैफेज इन मजनू कटीला। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा और आपने कौन से में, मतलब इनमें से कौन से में विजिट किया है। आई एम श्योर आमा में तो करा ही होगा, और इन केस नहीं करा तो प्लीज़ मिस मत करो, चले जाओ और इस लिस्ट के थ्रू और भी कैफेज एक्सप्लोर करो, वहाँ जाके मज़े करो। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ना काफ़ी अच्छी जगह है ये, और पूरी ऐसे इन्होंने मिनी टिबेट काइंड ऑफ बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, यहाँ के सारे कैफेज विजिट करने चाहिए। एंड अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।